जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। मैं हमारे घर में और मैं हम आपकी कथा सुनते हैं। मैं वर्किंग में हूँ, मुझे प्रॉपर टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, बट आई सब्सक्राइब योर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल्स एंड ऑलवेज विद मी। बट माई क्वेश्चन इज हेयर, मेरा आस्था है, भाव है, मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट मेरा भक्ति में रूटीन नहीं बन पाता है और मुझे कई सम टाइम्स देयर इज अ नेगेटिव वाइब्स ऑन मी, तो उसका रीज़न बताइए प्लीज़ गुरु जी। एंड नो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, आप आई थिंक मेरा कंसर्न समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कृपा करिए गुरु जी, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माइक लिए रहिए, बात नहीं करने दे रहे हैं, नहीं माइक लिए रहो, आगे आ जाइए, आप पीछे नहीं आ जाइए, माइक माइक लिए रहो, माइक ले लो, वहीं रहो, वहीं रहो बेटा, माइक, अच्छा माइक दे दो इनको, पाठक जी इनको माइक दे दो, इनको अच्छा सुनो, इनका प्रश्न का उत्तर दे दो, ये माइक ले लो, माइक ले लो, वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, बोलो। गुरुजी मेरी पिछली एक साल से इच्छा थी कि मैं आपको रूबरू होकर मिलूं, और अब की बार में वृंदावन जस्ट बांके बिहारी और सिर्फ आपको मिलने के लिए आई हूं, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन दैट वुड बी सक्सेसफुल टुडे, सो प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका मन नहीं लगता है ना बेटा, सब लोग बैठ जाइए ना, तब ना एक एक से बात हो, मैया बैठ जाओ, पीली मैया को बैठा लो, मैया बैठ जाओ, उनका तो उत्तर हो जाने दो, माइक दे दो उनको, एक बार उनका प्रश्न फिर से उनको पूछने दो, सब लोग बैठ जाइए, जल्दी पूछो आपका। गुरुजी मेरा भाव है और मैं प्रश्न, करती आपका प्रश्न यही है कि मेरी जो भक्ति है या जो भी मेरा प्रोसीजर है दैट नॉट टू बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, और कंटिन्यू इसलिए नहीं रहता, नेगेटिव वाइब्स ऑन, देखिए आई फील नेगेटिविटी इसलिए होती है, हमने हमेशा कथा में एक बात कही है कि गिलास में यदि हमने पानी भरा है और गिलास गंदी है और गंदी गिलास में आपने पानी भर दिया साफ, तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा, हो जाएगा, फिर उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, और पानी भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, जब भरते रहेंगे तो अपने आप उसका जो गंदा पानी है निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। तो नेगेटिविटी यदि मिटाना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। आई एम ट्राइंग दैट, बिल्कुल, एक घड़े में 9 छेद हैं और उस 9 छेद वाले घड़े में आपको पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है संभव ना हो, उस घड़े को आप एक काम करिए पानी में डुबा दीजिए, पानी में डुबा देने से क्या होगा, वो परमानेंटली पानी, बस समझ गई, उसी तरह अपने आप को पॉजिटिविटी में परमानेंट डुबा दो, जब पॉजिटिविटी में डूब जाएंगे, बहुत थैंक यू गुरु, खुश रहिए, बहुत बहुत थैंक यू, मेरी मदर इन लॉ कंटिन्यूसली टू, पहले आपका टूर से लेकर 5 o'clock तक चलता था, आई एम नॉट प्रेजेंट दैट टाइम, हाँ जी, वो दैट टाइम शी वॉज ड्यूरिंग सिटिंग द फ्रंट ऑफ टीवी एंड शी वॉज लिसनिंग योर, आई एम लिसनिंग फ्रॉम दिस इन माई ऑफिस ऑल्सो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माई आंसर, खुश रहिए, खुश, राधे राधे गुरु जी, जी आपके एम पी से, सेम टू सेम स्टोरी, ये जो दीदी है इनका स्टोरी सेम टू सेम है, तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते, बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से, बच्चे हैं आपके, हाँ दो, तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार, बहुत लाए हैं, नहीं आते, नहीं आते, कथा भी नहीं सुनते, सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते, कुछ कमाते हैं, कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं, तो उनके पिताजी उनकी माताजी, पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है, माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे हैं, मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही, तो फिर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर वो कहाँ हैं, वो गांव में हैं और मैं, दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ, अच्छा, तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए, फिर नहीं भटक सकते क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे दूसरी पर नहीं मिलती उनको,
अच्छा, दूसरी शादी करना सोची हाँ। में तो मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही, फिर मैं आपका भागवत वगैरह सुनी तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और लेके आऊंगी। दो महीने रही लेकिन फिर और बहुत परेशान किए, जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मैं मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूँ, बोलूँ, इसलिए आई थी। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बनके उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे, यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 2-6 साल के बाद फिर गई, गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया, अपने मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई, बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा, बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते, उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके हाँ, बच्चे अलग? मैं गई, बार बार गई, 5-6 बार गई, पर वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती। तो फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे, मैं 6 साल रो रो के रही, बात भी नहीं कराया। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का, वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने नहीं देते गुरुजी, खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो अभी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन हाँ, खुश हैं। हाँ, वो खुश है। मेरी तो बेटी खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते, लोग बोलते इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरु जी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? आवाज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ गुरु जी। फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर वो भी सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी मेरी सास को आँख में मोतिया भी नहीं, मैंने उनको ये भी उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतिया बनकर ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा, डरती, उनकी इच्छा है सबके आने की, लेकिन उससे डरती एकदम, वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं ऐसा बोल। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊंगी। गुरुजी एक भजन सुनाती हूं आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। राधे राधे। खुश खुश खुश।